नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में, जहां हम हमेशा की तरह लेकर आए हैं आपके लिए कुछ खास। आज हम आपको ऐसे 10 सुपर फूड्स के बारे में बताएंगे जिसका सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन से हैं ऐसे 10 सुपर फूड्स जो आपकी किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। सबसे पहला है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी के गुण पाए जाते हैं। इसके साथ ही इसमें विटामिन, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी सही मात्रा में होते हैं, जो आपकी बॉडी को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, इसमें मौजूद फाइबर आपके पाचन तंत्र को भी ठीक रखता है। साथ ही इसमें पाया जाने वाला विटामिन सी इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने में मदद करता है। अगर आप मोटापे की समस्या को दूर रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप पत्ता गोभी को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही पत्ता गोभी का सेवन आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता, जिससे आपका ब्लड प्रेशर भी सामान्य रहता है। साथ ही आप डायबिटीज की समस्या से भी दूर रहते हैं। किडनी के मरीज पत्ता गोभी खा सकते हैं, लेकिन 7 से 10 दिन में केवल एक बार। अब आते हैं दूसरे सुपर फूड पर, जो है लाल अंगूर। किडनी के मरीज अपनी डाइट में लाल अंगूर को शामिल कर सकते हैं। लाल अंगूर में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी के साथ साथ पोटेशियम, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट के गुण भरपूर मात्रा में होते हैं। हरे अंगूर की तुलना में लाल अंगूर में कम कैलोरीज पाई जाती हैं, इसलिए किडनी के मरीजों को इसका सेवन अलाउड होता है। लेकिन ध्यान रहे, इसका सेवन आपको सीमित मात्रा में करना है, और वो भी डॉक्टर की सलाह के बाद। तीसरा सुपर फूड है अनानास। अनानास ऐसा फल है जो खाने में जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही फायदेमंद माना जाता है। चाहे अनानास का जूस पिए या उसे खाएं, ये फल हर तरफ से आपकी बॉडी को फायदा ही देगा। बात अगर किडनी के मरीजों की करें तो इसका सेवन सभी किडनी के मरीज नहीं कर सकते। जिनका पोटेशियम लेवल सामान्य हो और डॉक्टर उन्हें इसको खाना अलाउ करें, तो ऐसे किडनी के मरीज अनानास का सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन आपको हार्ट से जुड़ी परेशानी से बचाता है, साथ ही यह आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स को बढ़ने नहीं देता। अगर आप अपनी डाइट में अनानास को शामिल करते हैं तो ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। साथ ही वजन को कम करने में अनानास काफी फायदेमंद होता है। किडनी के मरीज इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह लेकर। चौथा सुपरफूड है ब्लूबेरी। गर्मियों में ब्लूबेरी का सेवन काफी फायदेमंद होता है। इसका सेवन किडनी के मरीज भी कर सकते हैं। इसका सेवन किडनी के मरीजों को एक दिन में सिर्फ 1 या 2 ही करना है, इससे ज्यादा इसका सेवन नहीं करना है। ब्लूबेरी में पॉलीफेनॉल्स के गुण होते हैं, जो आपको हार्ट से जुड़ी परेशानी से दूर रखते हैं। इससे आपका हार्ट और लिवर दोनों स्वस्थ रहते हैं। इतना ही नहीं, ब्लूबेरी आपके पाचन तंत्र और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत बनाता है। ब्लूबेरी में एंथोसायनिन नामक यौगिक गुण पाए जाते हैं, जिसमें एंटी डायबिटिक गुण मौजूद होते हैं, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल सामान्य रहता है और आप डायबिटीज से बचे रहते हैं। अब जानते हैं पांचवें सुपरफूड के बारे में, जो है एग वाइट। किडनी के मरीजों को अंडे का सेवन अलाउड होता है, लेकिन उन्हें सिर्फ अंडे का सफेद वाला भाग, जिसको एग वाइट कहते हैं, वही देना होता है। अंडे का सफेद वाला भाग फैट से मुक्त होता है, यानी कि इसमें फैट नहीं होता, जो आपके वजन को बढ़ने नहीं देता। अंडे के सफेद वाले भाग में कम मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है, जो आपके रक्त को खराब नहीं होने देता, और इससे आप न सिर्फ हार्ट की परेशानी से दूर रहते हैं, बल्कि इससे आपका ब्लड प्रेशर भी सामान्य रहता है। अंडे के सफेद वाले भाग में पाया जाने वाला कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है। और आपको बता दें कि किडनी का एक काम आपकी हड्डियों को मजबूत रखना भी होता है, इसलिए किडनी के मरीज अंडे के सफेद वाले भाग का सेवन करें। लेकिन ध्यान रहे, इसका सेवन करने से पहले आप एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि किडनी के मरीजों की डाइट उनकी रिपोर्ट पर निर्भर करती है। अगला सुपर फूड है फिश। किडनी के कुछ मरीज फिश का सेवन कर सकते हैं। मछली का उपयोग हृदय को स्वस्थ बनाने में करते हैं। इसमें सही मात्रा में ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो आपके हार्ट को स्वस्थ बनाता है। साथ ही मछली का सेवन आपको निद्रा रोग से भी बचाता है। फिश में विटामिन डी सही मात्रा में होता है, जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। अगर आप अपनी डाइट में मछली को शामिल करते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है, और इसका सेवन आपकी त्वचा के लिए भी सही होता है।
किडनी के मरीज टूना फिश खा सकते हैं। किडनी के ऐसे मरीजों को फिश दी जाती है जिनका डायलिसिस चल रहा हो। ध्यान रहे, हमने आपसे हमेशा यही कहा है कि किडनी के मरीज अपनी डाइट में कुछ भी शामिल करें, लेकिन इससे पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। बढ़ते हैं किडनी मरीजों के लिए सातवें सुपर फूड की तरफ, जो है सेब यानी एप्पल। रोजाना एक सेब का सेवन आपको स्वस्थ रखता है। सेब को लेकर हमेशा यही कहा जाता है कि रोजाना एक सेब खाने से आपका शरीर बीमारियों से दूर रहता है। सबसे पहले आपको बता दें कि किडनी के मरीज सेब का सेवन कर सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। सेब का सेवन आपको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, गॉल ब्लैडर स्टोन, यूरिन इन्फेक्शन जैसी कई समस्याओं से बचाता है। इसके साथ ही ये आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है, इसलिए किडनी के मरीजों को सेब का सेवन जरूर करना चाहिए। आठवां सुपर फूड है घी की सब्जी। घी की सब्जी किडनी के मरीजों के लिए किसी सुपर फूड से कम नहीं है। घी का सेवन किडनी के मरीजों को इसलिए अलाउड होता है क्योंकि इसकी सब्जी खाने में काफी हल्की होती है, ये पचाने में आसान होती है। और आपको बता दें कि किडनी के मरीजों का डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होता है, इसलिए उन्हें अक्सर ऐसा आहार दिया जाता है जो उनकी बॉडी में क्रिएटिनिन का निर्माण न करे। इसके लिए घिया एक अच्छा और बेहतर उपाय है। इसके साथ ही घी में सही मात्रा में पानी होता है जो किडनी को सही तरह से डिटॉक्स सकता है। इसके साथ ही ये यूरिन इन्फेक्शन के खतरे को भी कम करता है, इसलिए किडनी के मरीजों को इसका सेवन करना चाहिए। अगला सुपर फूड है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में सिर्फ एक या दो ही खानी है। और खट्टी स्ट्रॉबेरी का सेवन न करें। अगर आप अपनी डाइट में स्ट्रॉबेरी को शामिल करते हैं तो ये आपको यूरिन संक्रमण से बचाती है, साथ ही ये आपके बढ़ते रक्तचाप को भी ठीक रखती है। स्ट्रॉबेरी का सेवन आपके इम्यून सिस्टम को ठीक रखता है, जिससे आप बदलते मौसम में कम बीमार पड़ते हैं। और दसवां सुपर फूड है ऑलिव ऑयल। किडनी के लिए ऑलिव ऑयल काफी फायदेमंद माना जाता है। ऑलिव ऑयल का तेल आजकल काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑलिव ऑयल न सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि ये कई औषधीय गुणों से भरपूर भी है, इसलिए वर्षों से इसका उपयोग किया जा रहा है। इसका सेवन आपकी बॉडी में होने वाली कई बीमारियों से आपको बचाता है, और किडनी के मरीज इससे बने खाने का सेवन कर सकते हैं। तो ये है 10 सुपर फूड जो किडनी को ठीक रखते हैं, और किडनी के मरीज भी इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप किडनी या किडनी डाइट से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन मौजूद हैं जो आपको आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सही डाइट की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।